सीएम सिटी करनाल के गांव जानी में बीती रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक 20 वर्षीय कुलदीप नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के गांव का ही बताया जा रहा है, जो हत्या की वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव में कुलदीप जानी का लड़का है, उसको रात 11 बजे घर से बुलाया, आवाज लगा के जैसे घर से उसने सुरिंदर सुनो आशीष ने चप्पू मार दिया। चप्पू मारने के बाद अपराधी फरार है, उसको अभी कोई भी सजा या अच्छी तरह से अभी गिरफ्तार नहीं किया। हाँ जी सर, अभी पकड़ा नहीं, गिरफ्तार नहीं है। किसको मारा चक्कू? कुलदीप सिंह। तो कैसे घर से बुलाया रात को? हाँ जी, रात को आवाज लगाई। अच्छा। हाँ, बाइक से पी पी करके आवाज लगाई, आवाज करते ही जैसे बाहर आया, बाहर आया लड़का, बाहर आने के बाद इसको तुरंत चक्कू मारा, चक्कू मार दिया। हाँ जी सर, कुलदीप के बाहर बुलाया, बाहर बुला कर अपने चक्कू फेल दिया उसको। ठीक है जी। किसने, कौन है बंदा? वीरेंद्र जी, गाँव की है। पहले कोई क्या बात हुई थी? पहले कोई बात नहीं थी हमारे साथ, कोई कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, रोज का उठना बैठना एक जगह काम का। अच्छा। कोई हमारे को बात नहीं, कोई बातचीत नहीं थी। तो रात कितने बजे की घटना है? 11 बजे की बात है। हमारे गांव में एक लड़का कुलदीप है, वाल्मीकि का लड़का है, सुखपाल का, और एक रविंदर है जी जो मारने वाला है, उसके घर आया। वो उसकी मम्मी को कहने लगे भाई बाहर भेजियो कुलदीप को। उसकी मम्मी कहने क्या बात है, मैं और बुलाओ एक बार। उन्हें बुला लिया, बस आने सासी तक सबको मारा जी, लंबा सा बता रही थी मम्मी, वो गिर गया, लो वो फरार हो गया। तो किसी कोई रंजिश वगैरह? ना, पिछली कोई रंजिश नहीं। कुलदीप क्या काम करता था, कैसा? कुलदीप गांव में आटा चक्की पे नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि कुलदीप गांव में ही आटा चक्की चलाता था। देर रात 11 बजे आरोपी रविंदर बाइक पर सवार होकर उनके घर पर आया और कुलदीप को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद जैसे कुलदीप बाहर आया तो रविंदर ने उस पर चाकू से वार कर दिया और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। लेकिन जब तक परिजन मौके पर पहुंच पाए तो कुलदीप ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। कुलदीप नाम के व्यक्ति को किसने चाकू मार दिया है गाँव जाने में, वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुंची है। वहाँ पहुंचने पता लगा कि उसका लेकर अस्पताल में गए हैं। हॉस्पिटल से कुछ मिसिंग से कुछ देर बाद सूचना प्राप्त हुई कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। तो अभी जो बयान, पिताजी के बयान पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अभी पोस्टमार्टम कराया गया। कौन है मारने वाला? कौन है मारने वाला? गांव के रविंदर नाम का व्यक्ति। कोई दुश्मनी पता चली क्या? दुश्मनी कुछ नहीं, आपस में कल कोई गांव में पार्टी चल रही थी, किसी के जन्मदिन था, वहाँ पर दोनों की आपस में कोई गाली गलौज हुई है। और उसके बाद उसने घर पर आने के बाद उसको घर से बाहर बुला कर ही उसके दोनों दोस्त थे। वहीं पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी युवक की बाइक को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे कोई रंजिश तो नहीं जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। करनाल से KCRA पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।